नमस्कार दोस्तों दोस्तों अगर आपको चेन्नई सुपर किंग्स और पंजाब किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल का 11वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 400 लाइक्स का रखा है, तो दोस्तों वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 11वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। जी हाँ दोस्तों, इस बार रविंद्र जडेजा की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले वहां मुकाबले में चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और पंजाब की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की इस जोड़ी पर पंजाब की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन अपने खराब फॉर्म से जूझ रहे मयंक अग्रवाल इस बड़े मुकाबले में पंजाब की टीम के लिए कुछ बढ़िया बल्लेबाजी नहीं दिखा पाए और पारी का पहला ओवर डालने आए मुकेश चौधरी के दूसरी ही गेंद पर मयंक अग्रवाल अपना कैच रॉबिन उथप्पा को थमा बैठे। मयंक अग्रवाल दो गेंदों में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मयंक अग्रवाल का बड़ा विकेट जल्दी खोने के बाद अब पंजाब की टीम की तरफ से भानुका राजपक्षे बल्लेबाजी करने मैदान में आए। भानुका राजपक्षे और शिखर धवन ने मिलकर पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन पारी के दूसरे ओवर में खराब रन लेने के चक्कर में भानुका राजपक्षे को महेंद्र सिंह धोनी ने रन आउट कर दिया। आपको बता दें कि भानुका राजपक्षे 5 गेंदों में बस 9 रन बना पाए। मयंक अग्रवाल और भानुका राजपक्षे जैसे बड़े खिलाड़ियों को शुरुआती ओवरों में ही गंवाने के बाद अब पंजाब की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब मैदान में बल्लेबाजी करने लियाम लिविंगस्टोन को भेजा गया और फिर लियाम लिविंगस्टोन और शिखर धवन ने मिलकर पंजाब की पारी को संभाला। आपको बता दें कि शिखर धवन और लिविंगस्टोन की इस जोड़ी ने मुश्किलों में फंसी पंजाब की टीम को दबाव से बाहर निकाल लिया और फिर अपने हाथ खोलना शुरू कर दिया। खास करके लिविंगस्टोन इस मुकाबले में खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। वह चेन्नई के हर एक गेंदबाज पर चौका छक्का लगा रहे थे, जिसके चलते अब फिर से दबाव चेन्नई के कप्तान रविंद्र जडेजा पर चढ़ने लगा था। शिखर धवन और लियाम लिविंगस्टोन ने इसी बीच अपनी अर्धशतक की साझेदारी की पूरी कर ली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वहीं धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे लिविंगस्टोन ने भी अपना 30 अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए 95 रनों की एक विशाल साझेदारी बनाई, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए डीजे ब्रावो ने सेट हो चुके शिखर धवन को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करा दिया। आपको बता दें कि शिखर धवन 24 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं शिखर धवन जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद उनके साथी खिलाड़ी लियाम लिविंगस्टोन भी ज़्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए और फिर उन्हें भी पारी की 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने अंबाती रायडू के हाथों कैच आउट करा दिया। लियाम लिविंगस्टोन 32 गेंदों में 60 रन बनाकर आउट हो गए। तो बेस्ट सेट बल्लेबाजों की लगातार आउट हो जाने के बाद कहीं ना कहीं चेन्नई की गेंदबाजों ने अपनी टीम की इस मुकाबले में वापसी करा दी थी। दो सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद अब मैदान में दो नए बल्लेबाज आ चुके थे, जितेश शर्मा और शाहरुख खान के कंधों पर अब पंजाब की पारी को संभालने की एक बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी और इन दोनों ने पंजाब की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, जिसमें जितेश शर्मा आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे जितेश शर्मा को पारी के 15वें ओवर में ड्वेन प्रीटोरियस ने रॉबिन उथप्पा के हाथों कैच आउट करा दिया। जितेश शर्मा 17 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद पारी के 16वें ओवर में शाहरुख खान को भी क्रिस जॉर्डन ने प्रीटोरियस के ही हाथों कैच आउट करा दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख खान 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में बल्लेबाजी करने आए ऑर्डन स्मिथ से पंजाब की टीम को 200 का आंकड़ा पार कराने की आखिरी उम्मीद थी, लेकिन ऑर्डन स्मिथ को भी क्रिस जॉर्डन ने ड्वेन ब्रावो के हाथों कैच आउट करा दिया। ऑर्डन स्मिथ 7 गेंदों में 3 रन बनाकर आउट हो गए और फिर अंत में चेन्नई की गेंदबाजों की सटीक और आक्रामक गेंदबाजी की वजह से 200 का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही पंजाब की टीम 180 रनों पर ही सिमट गई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद पंजाब से मिले 181 रनों के
विशाल लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में चेन्नई की टीम को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई के यह दो ओपनर बल्लेबाज इन जिम्मेदारियों पर खरा नहीं उतर पाए और खराब फॉर्म से जूझ रहे ऋतुराज गायकवाड़ पारी के दूसरे ही ओवर में आउट हो गए। दरअसल पारी का दूसरा ओवर डालने आए कगिसो रबाडा ने ऋतुराज गायकवाड़ को शिखर धवन के हाथों कैच आउट करा दिया। ऋतुराज गायकवाड़ चार गेंदों में एक रन बना पाए। ऋतुराज गायकवाड़ जैसा बड़ा विकेट गिरने के बाद अब मैदान में मोइन अली बल्लेबाजी करने आए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन चेन्नई के दूसरे ओपनर बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को पारी के तीसरे ही ओवर में गेंदबाजी डालने आए वैभव अरोड़ा ने उथप्पा को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। रॉबिन उथप्पा 10 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी करने आए मोइन अली को भी वैभव अरोड़ा ने बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर दिया। मोइन अली बिना खाता खोले आउट हो गए। मोइन अली के बाद बल्लेबाजी करने आए रविंद्र जडेजा को भी पंजाब के 30 गेंदबाजों ने ज़्यादा देर तक मैदान में टिकने नहीं दिया और पारी का छठवां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने कप्तान रविंद्र जडेजा को बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर दिया। 181 जैसे बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 23 रनों पर ही अपने चार बल्लेबाजों को खो चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती ओवरों में ही बड़े विकेट लेने के बाद अब पंजाब की गेंदबाजी पूरी तरह चेन्नई के बल्लेबाजों पर हावी होती दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर बल्लेबाजी करने आए अंबाती रायडू और शिवम दुबे ने थोड़ी देर के लिए चेन्नई की पारी को संभाला, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रही पंजाब के गेंदबाज यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने अंबाती रायडू को भी पारी के 8वें ओवर में ऑर्डन स्मिथ के हाथों जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दी। अंबाती रायडू 21 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। आपको बता दें कि अंबाती रायडू जैसा बड़ा विकेट खो देने के बाद अब मैदान में चेन्नई के सबसे बड़े मैच फिनिशर कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी करने मैदान में आए और फिर महेंद्र सिंह धोनी और शिवम दुबे ने मिलकर चेन्नई की पारी को संभाला। खास करके शिवम दुबे ने इस मुकाबले में बेहतरीन फॉर्म में बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, शिवम दुबे और महेंद्र सिंह धोनी की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 14वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम के लिए अर्धशतकीय साझेदारी भी बनाई। इसी बीच शिवम दुबे ने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। महेंद्र सिंह धोनी के साथ होने के चलते शिवम दुबे बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों फिर पारी के 15वें ओवर में मुकाबला ही बदल गया, क्योंकि पारी का 15वां ओवर डालने आए लियाम लिविंगस्टोन ने अपने इस ओवर में चेन्नई के दो बड़े खिलाड़ियों को आउट कर दिया। पहले तो इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके शिवम दुबे को लिविंगस्टन ने अर्शदीप सिंह के हाथों कैच आउट करा दी। शिवम दुबे 30 गेंदों में 57 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं इसी ओवर की अगली गेंद पर नए बल्लेबाज ड्वेन ब्रावो को लिविंगस्टन ने अपने ही गेंद पर कैच आउट करके चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में बहुत ही पीछे छोड़ दिया। ब्रावो बिना खाता खोले ही आउट हो गए। लिविंगस्टन की इस बेहतरीन गेंदबाजी के चलते यह मुकाबला आखिरी 5 ओवर में जा फंसा था, जहां पर चेन्नई की टीम को आखिरी 5 ओवर में 83 रनों की आवश्यकता थी। ये मुकाबला लगभग पंजाब की टीम ने जीत ही लिया था, लेकिन चेन्नई की टीम की आखिरी उम्मीद बने महेंद्र सिंह धोनी अभी भी मैदान में अपने बल्ले से चौके छक्के बरसा रहे थे और धोनी की इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते अब मुकाबला आखिरी 3 ओवर में चला गया। यहां पर आखिरी 3 ओवर में चेन्नई की टीम को जीत के लिए 60 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन फिर अंत के ओवरों में चेन्नई की आखिरी उम्मीद बने महेंद्र सिंह धोनी को भी राहुल चाहर ने जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करा दी। महेंद्र सिंह धोनी 28 गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हो गए। महेंद्र सिंह धोनी के आउट हो जाने के बाद साथ ही यह मुकाबला पंजाब की टीम ने अपने नाम कर लिया। पंजाब की टीम ने 54 रनों से चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में धूल चटा दी। दोस्तों, जिस तरह की बल्लेबाजी लाइनअप चेन्नई के पास है, उसके बावजूद भी पंजाब के गेंदबाजों ने बेहतरीन गेंदबाजी करके इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब की टीम को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों, आप पंजाब की इस बेहतरीन प्रदर्शन और मयंक अग्रवाल की खतरनाक कप्तानी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।